My dear friends, as you know, the whole country and almost whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से COVID-19 नामक महामारी से पीड़ित है और ऐसी दशा में सारे स्कूल्स गवर्नमेंट के आदेश से बंद कर दिए गए हैं और मजबूर होकर के स्कूल वालों को ऑनलाइन टीचिंग करानी पड़ रही है। और यह ऑनलाइन टीचिंग हो सकता है ये आगे चल कर के बहुत महत्वपूर्ण हो जाए और आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाए। भले ही यह काम आज मजबूरी में हो रहा है, लेकिन यही काम हो सकता है कि आगे चल कर के पढ़ाई को और आसान हो। आप लोगों को चाहिए कि जो इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो क्लासेस चल रहे हैं, तो अपने क्लासेस को, जो आपसे रिलेटेड क्लासेस हैं, उसे आप गंभीरता से लें और उसको गंभीरता से ध्यान दें ताकि आप लोगों का कोर्स टाइम से पूरा हो जाए। टूडे I want to teach you the second portion, part 2 of the first chapter, life process. जैसा कि पिछले टर्म पर क्लास 10th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन बताया गया, इसके पहले क्लास 10th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन बताया गया था, आज उसी का सेकेंड पोर्शन हम बताने जा रहे हैं। According to this teaching point, I will tell you the following remaining topics. इसके पहले टर्म पर जो चैप्टर हो चुके, जो टॉपिक्स हो चुके थे, उसके अलावा जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके नाम तीन प्रकार हैं। फर्स्ट, डिफिनीशन ऑफ एक्सप्रेशन। सेकेंड, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। थर्ड, डिफिनीशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड फोर्थ, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बाकी टाइप्स टॉपिक्स तो बहुत, लेकिन आज केवल इन चार टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा और बाकी जो टॉपिक्स हैं फिर नेक्स्ट टर्म को बताया जाएगा। और कुल मिलाकर के यदि एक चैप्टर को पढ़ाने में एक हफ्ता भी लगे, यानी कि 6 दिन पढ़ाना पड़े, 6 पीरियड पढ़ाना पड़े, तो बहुत अधिक से अधिक चैप्टर होते हैं तो 20 होते हैं, तो 120 दिन में सब पूरा हो जाएगा और साल भर में 120 दिन से ज़्यादा क्लास चलती है। तो आप लोग घबराए नहीं, अगर एक चैप्टर को पढ़ाने में एक हफ्ता लगे, 6 दिन लगे, तो भी बड़े आराम से 120 दिन में, यानी 120 टर्म पर ये सिलेबस पूरा हो जाएगा और बड़े आराम से साल भर में 180 दिन क्लासेस चलती। तो आइए जो चार टॉपिक्स हैं उनको क्रमशः हम लोग देखते हैं। In same sequence, now we'll tell you about the definition of respiration. The teaching lines are as follows. इसी क्रम में अब हम आप लोगों को definition of respiration बताएंगे, यानी कि श्वसन की परिभाषा, श्वसन की परिभाषा, और जो इससे related teaching lines हैं वो इस प्रकार है। कहने का मतलब, आप लोग लिखें इंग्लिश में, पढ़ें इंग्लिश में, लेकिन समझें उसे हिंदी में ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो डेफिनेशन ऑफ रिस्पिरेशन ऐसे, रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड।
विश्लेषण का मतलब आप इस तरह से समझें, विश्लेषण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और यह जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं यह हमारे पचे हुए भोजन जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, भोजन जब पच जाता है एकदम डाइजेस्ट हो जाता है तो ग्लूकोज में चेंज जाता है, और उसी ग्लूकोज को या ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन, इससे एनर्जी रिलीज होती है, यही श्वसन का होता है। फिर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और इस ऑक्सीजन से पचे हुए भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से जो एनर्जी रिलीज होती है, यही हम श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन का विश्लेषण अब होता क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ विश्लेषण कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शंस इन द सेल। इस तरह से कहने का मतलब डाइजेशन के बाद जो भोजन पूर्ण से पच जाता है तो बनता है ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है विश्लेषण के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से। तो जो हम विश्लेषण में ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, इसे एनर्जी ली होती है, वह एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जो एनर्जी बॉन्ड कहा जाता है, एनर्जी पैकेट कहा जाता है, यह सेल्स के अन्य कार्यों में मदद करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इन सेम सीक्वेंस नाउ विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ विश्लेषण द टीचिंग लर्न्स आर एज फॉलो। इसके पहले मैंने आप लोगों को विश्लेषण की डिफिनेशन बताया, समझाया, अब आप लोगों को मैं विश्लेषण के टाइप्स बताने जा रहा हूँ कि विश्लेषण कितने प्रकार का होता है, और टाइप्स ऑफ विश्लेषण का अर्थ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विश्लेषण, विश्लेषण दो प्रकार का। नंबर वन एरोबिक विश्लेषण एंड नंबर टू एंड एरोबिक विश्लेषण, ये दो प्रकार के विश्लेषण हो गए एरोबिक एंड एंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विश्लेषण एरोबिक एंड एंड। अब इनके बारे में जान लो कि एनर्जी विश्लेषण क्या होता है और एनर्जी विश्लेषण क्या होता है। फिर मैं आपको एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ कि पढ़ें इंग्लिश में, लिखें इंग्लिश में लेकिन समझें हिंदी में, ताकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटने से कोई काम नहीं होता, और जब समझ लेंगे दिमाग में सेट हो जाएगा तो अपने ही उसको जो है अपनी भाषा में ही लिख सकते। एनर्जी विश्लेषण टेक्स प्लेस in the presence of oxygen, in aerobic situation, breakdown of pyruvate takes place to give rise three molecules of carbon dioxide and water. The release of energy in aerobic situation is much more than anaerobic situation. मतलब यह है कि aerobic situation oxygen की उपस्थिति में ही होगा और पायरेट को भी डंप किया जाएगा जिससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी ली। फिर जान लो एरोबिक विश्लेषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है और पायरेट बांध को तोड़ने से बहुत अधिक मात्रा में, टूटने से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी ली। सेकेंड है एनर्जी विश्लेषण, एरोबिक विश्लेषण टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल इन ईस्ट एनएरोबिक विश्लेषण टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, दिस केस पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एनएरोबिक विश्लेषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन न रहे तब एनएरोबिक विश्लेषण होता है, जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट, और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वह कम मात्रा में होती है, एरोबिक विश्लेषण में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। अब आते हैं इसका जो थर्ड डिमेंशनल टॉपिक है,
In same sequence, now I will tell you about the definition of transportation, the teaching lines are as follows. समाज में चाहे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक सामान को दूसरे सामान, एक सामान को दूसरे जगह ले आना, दूसरे जगह से दूसरा सामान। जैसे कि हमारे समाज में जो बस होते हैं वो आदमियों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और जो ट्रक होते हैं वो सामान का ट्रांसपोर्टेशन। उसी तरह से प्लांट्स बॉडी में चाहे एनिमल्स बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बनाया गया है। तो अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की डिफिनीशन जानते हैं इन द सेंस ऑफ प्लांट्स बॉडी और ह्यूमन बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन ये लाइव प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस ऑब्जर्व आर मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कैरी टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि शरीर में कोई चीज यदि प्राप्त की गई या शरीर के अंदर कोई चीज उत्पन्न की गई, या तो बाहर से प्राप्त की गई हो या शरीर के अंदर ही उत्पन्न की गई हो, उसे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यही ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिलीवर्स ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स एंड ऑल्सो कैरीज फूड टू ऑल बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन जो है एक शरीर के एक स्थान से शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाई जाती है, और इसी तरह से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, खून पहुंचाया जाता है शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट गिव्स ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम इट्स लीव्स। और प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के तहत प्लांट जो होते हैं जो ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा पानी सोख लेते हैं उसे वाटर वेपर से रूप में बाहर निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के यह रहा ट्रांसपोर्टेशन की डिफिनीशन। अब आते हैं हम लोग फोर्थ टॉपिक्स के बारे में जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताया गया है। इन सेम सीक्वेंस Now I will tell you about the types of transportation, the teaching lines are as follows. इसी क्रम में अब हम आप लोगों को types of transportation बताएं। मतलब transportation कितने प्रकार का होता है। There are two types of transportation. Plant body और human body के sense में there are दो प्रकार के transportation। इसे समाज में ही मुख्यतः दो प्रकार के transportation होते हैं। बसें जो होती हैं वो आदमियों को ढोते हैं और ट्रक ढोते हैं सामान। यहाँ जो है लिविंग थिंग्स के सेंस में ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का होता है, एक जो है एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सुनिए। इन एनिमल्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डाइजेस्टेड फूड एंड एक्सेट्री मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई सर्कुलेटरी सिस्टम। जंतुओं में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और पचा हुआ भोजन और एक्सेट्री मटेरियल जैसे नाइट्रोजन है, यूरिन है, ये सब जो भी चीज़ें नाइट्रोजन मटेरियल, ये सारी चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो दवा जो इंजेक्ट की जाती है वो ब्लड के द्वारा ही जो है घाव के जगह पर। तो फिर जान लें एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वेंस आते हैं, आर्टरीज आती हैं और पल्स आते हैं, हृदय आता है, धमनियाँ आती हैं और सिराएँ आती हैं, हार्ट वेंस आर्टरीज ये सब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मतलब जानवरों में सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, यानी कि ब्लड से। अब आइए प्लांट्स। इन प्लांट्स वाटर मिनरल्स एंड अदर मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वैस्कुलर सिस्टम लाइक जाइलम। और पेड़ पौधों में ये ट्रांसपोर्टेशन एक फिक्स्ड टिश्यू के द्वारा होता है जिनके नाम हैं, जिनको वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो होता है जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम जो होता है मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है।
फिर जान लीजिए, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है, और वैस्कुलर टिश्यू दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जल का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम मिनरल्स का, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन। ये सब रही बातें, चार बातें आपने बताया, डिफिनेशन ऑफ स्पेशन, टाइप्स ऑफ स्पेशन, डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। That's all for today, and remaining portion of the chapter will be taught on next time. आज इस चैप्टर के बारे में केवल इतना ही, और बाकी जो बचा हुआ चीज है इस चैप्टर का वो अगले टर्म को बताया जाएगा। My dear students, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of your spellings with the help of your smartphone and laptop. मेरी प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को चाहिए कि जो टीचिंग मटेरियल की रेड कलर की लाइन्स हैं उसे आप अपने नोटबुक्स में नोट कर लें, ताकि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाए। और जब नोट करेंगे तो आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा और हर चीज को कायदे से जवाब करेगा, जिससे आपको एमसीक्यू और वर्कशीट सॉल्व करने में आसानी है। इस कार्य के लिए आपको अपने स्मार्टफोन का या टैबलेट का या लैपटॉप का यूज करना हो, और ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग लैपटॉप का यूज करें, क्योंकि लैपटॉप यूज करने से आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी, हर चीज साफ सुनाई देगा, दिखाई देगा, और इसे पढ़ने में क्लास टीचिंग से भी ज्यादा अच्छा महसूस होगा। आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यू एंड वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल एप। योर सॉल्यूशन शुड बी ऑनलाइन वेबसाइट स्कूल है। और जब रेड कलर की लाइंस लिख लें तो उसके बाद दिए गए एमसीक्यू को और दिए गए वर्कशीट को आप ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करें, और यह सलूशन आपका ऑनलाइन मेथड से, और इसके लिए आपको स्कूल ऐप पर जाना। यू शुड ऑल्सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क नोटबुक फॉर रिवीजन पर्पस। और जब ऑनलाइन मेथड से सॉल्व कर लें, एमसीक्यू और वर्कशीट को आप अपने नोटबुक में भी सॉल्व करें, जिससे कि आपको 10-20 दिन के बाद रिवीजन करने में आसानी। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, एंड स्टडी विद केयर। वेरी मच, थैंक्स।